आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। CISF जवानों की बड़ी कनेक्टिविटी, आखिरकार खुला रेलवे का गेट क्रमांक 269, आवागमन सुचारू रूप से चालू। बलवाड़ा नगर से होकर जाने वाली रेलवे लाइन पर गेट क्रमांक 269 विगत कुछ माह से रेलवे विभाग द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके कारण नगर से लगे आसपास के गांव सहित समीपस्थ CISF फायरिंग रेंज पहुंचने के लिए जवानों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। पत्रकार संघ ने मुद्दे को किया था हाईलाइट। रेलवे गेट के बंद होने की सूचना जब पत्रकार संघ को मिली, तब पत्रकार संघ के द्वारा उक्त गेट को खुलवाने के लिए अथक प्रयास किया गया। पत्रकार संघ अध्यक्ष राहुल अग्रवाल ने उक्त मामले को खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल और कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी के समक्ष भी उठाया। साथ ही समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन किया गया। ग्रामीणों और किसानों ने माना पत्रकार संघ का आभार। रेलवे गेट के खोलने पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया। वहीं स्थानीय किसानों के चेहरे भी खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती है, क्योंकि उनके खेतों पर पहुंचने और फसल को मंडी तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। दूसरी ओर CISF फायरिंग रेंज पहुंचने के लिए जवानों की कनेक्टिविटी भी बढ़ गई। इसके पूर्व जवानों को गेट से फायरिंग रेंज तक पैदल सामान और हथियार ढोते हुए पहुंचना पड़ता था। गेट के खुलने पर नगर सहित आसपास के ग्रामीणों द्वारा पत्रकार संघ बलवाड़ा का आभार व्यक्त किया गया। इनका क्या कहना है? गेट के खुलने पर आसपास के ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। पत्रकार संघ को इस मुद्दे से अवगत कराया था। गेट खुलने पर पत्रकार संघ को दिल से धन्यवाद दिया। शशिकांत पटेल, युवा समय सिवी, बलवाड़ा। रेलवे गेट को खुलवाने के लिए CISF के वरिष्ठ अधिकारी, रेलवे अधिकारी, पत्रकार संघ, पत्रकार साथियों का आभार। BS रावत, CISF निरीक्षक, बलवाड़ा से राहुल अग्रवाल की रिपोर्ट।